प्लांट्स, स्पेशली इंडोर प्लांट्स, आपके घर के इंटीरियर को चार चांद लगा देते हैं एंड यू कैन रियली मेक अ बिग डिफरेंस बाय एडिंग इंडोर प्लांट्स। फर्स्ट अपार्टमेंट में मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स थे और मैं ईजिली उनका देखभाल कर पाती थी बिकॉज आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। सेकेंड अपार्टमेंट में आने के बाद जब बेबी हो गया तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, तो हमारे पास कुछ गिने चुने ही प्लांट्स थे। एंड इन दिस अपार्टमेंट, हमारे रिसेंटली शिफ्टेड अपार्टमेंट में बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, प्रॉपर लाइट आती है, तो मैं चाहती थी हम कुछ प्लांट्स ऐड करें और अगेन अपने घर को एक अर्बन जंगल बनाएं। सो फॉर दैट आई वॉन्टेड टू बाय प्लांट्स, लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी। नर्सरी का विजिट अगेन इट विल टेक लाइक 2 आवर्स, देखना, समझना, लेकर आना, और बेबी के साथ ये सब करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऑनलाइन चेक किया जाए। सो फॉर दैट आई फाउंड दिस वेबसाइट नोन एज urban.com, जिसमें आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे। अराउंड 200+ वेराइटीज़ है एंड प्लांट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹39 or ₹49। Urban इंडिया की सर्विसेज अवेलेबल हैं बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद एंड नोएडा। आप अपना पिन कोड डाल के चेक कर सकते हैं। इवन आप बहुत सारे प्लांट्स भी सर्च कर सकते हैं, लाइक टॉल, शॉर्ट, कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि इसमें नेक्स्ट डे ही डिलीवरी आपको मिल जाएगी, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने ये सारे प्लांट्स मंगवाए हैं, सम टॉल प्लांट्स, सम शॉर्ट प्लांट्स और कुछ कॉम्बिनेशन में भी हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड लश ग्रीन प्लांट्स मिले हैं। सो यू कैन सी माई एक्साइटमेंट। अब हम प्लांट्स को स्टाइल करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा सा प्लांट है, ये बहुत से लोगों ने पूछा था, मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था, इट्स नॉट अ बनाना ट्री, ये है ट्रैवलर्स पाम। ये प्लांट एक हाउस प्लांट ही है लेकिन इसे ब्राइट लाइट चाहिए। तो मैंने ये जो आप ऑफिस एरिया मेरा देख रहे हैं वहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग आती है, वेंटिलेशन भी अच्छा है, तो उस कॉर्नर में रखूँगी। टॉल प्लांट्स कॉर्नर में रखने से ये और भी ग्रेसफुल और स्टाइलिश लगते हैं और पूरे एरिया को एक हाइट भी प्रोवाइड करते हैं। इट्स बीन अराउंड 2 वीक्स, 2 हफ्ते हो गए हैं प्लांट्स को आए हुए। ये टॉल प्लांट है तो थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता है, मुझे चेक करना पड़ता है लीव्स कैसी हैं, पानी कितना डालना है, लीव्स को वाइप करना पड़ता है, और पॉट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो सॉइल डीपली ना काफ़ी ज़्यादा वेट रहती है, तो पानी मैं हमेशा सॉइल को चेक कर ही डालती हूँ कि ज़्यादा गीली तो नहीं है। सो आई हैव गॉट 8 प्लांट्स, उसमें से एक प्लांट है दैट इज़ हार्ट लीफ फाइलोडेंड्रॉन। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लांट, उस कॉर्नर में ये परफेक्ट मैच करेगा। ओके, वाई आई चोज दिस कॉर्नर, क्योंकि इन प्लांट को ज़्यादा लाइट नहीं अच्छी लगती और पानी भी बहुत कम चाहिए। आप वंस इन अ वीक पानी डालिए और लाइट कम ही रखिए तो काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं एंड दिखने में तो बहुत बहुत प्रिटी है। नेक्स्ट आई हैव गॉट दिस ब्यूटिफुल नियॉन पोथोस, जो ब्राइट कलर में है, पोथोस जैसा ही होता है, और इसे ना कम लाइट चाहिए, डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में यह अच्छा ग्रो करते हैं। लिविंग रूम के इस कॉर्नर में मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी चीज़ें ऐड करी, बट नाउ आई वॉन्ट टू ऐड अ ब्यूटिफुल टॉल ह्यूज प्लांट जिसका नाम है एलोकेशिया, जिसे नॉर्मली एलिफेंट्स ईयर्स प्लांट कहा जाता है। मतलब ये बड़े बड़े पत्ते हैं जो इसके, ये एलिफेंट के ईयर जैसे लगते हैं, दैट्स वाई दिस प्लांट्स थ्राइव्स बेस्ट अगर आप इसकी सॉइल मॉइस्ट रखते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सॉगी नहीं करना है और इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। ऑल्सो गाइज, जो बड़ी लीव्स होती हैं प्लांट्स की, उन्हें अगर आप इस तरीके से वाइप कर दें तो उनकी डस्ट रिमूव हो जाती है और ये ईजिली ब्रीद कर पाती हैं। पानी कम से कम ही डालिए ताकि आपकी जो लीव्स हैं वो इस तरीके की येलोइश टर्न ना हो। मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया था तो ये येलो हो गई, इट्स नेचुरल, बस इसे कट कर दीजिए और हेल्दी बना रहेगा प्लांट। टायर्ड बाय एडिंग सो मेनी प्लांट्स, लेकिन इस कॉर्नर को कैसे भूल सकते हैं। ये कॉर्नर के लिए सबसे सूटेबल है मॉन्स्टेरा प्लांट, जिसकी लीव्स इस तरीके से कट रहती हैं, बहुत प्रिटी लगता है। इसे ना शेड और लाइट का बैलेंस चाहिए, ना ज़्यादा शेड ना ज़्यादा लाइट। सारे इंडोर प्लांट्स की बस यही कहानी है कि आपको वंस इन अ वीक पानी देना है, सॉइल ज़्यादा सॉगी नहीं रहे, गीली नहीं रहे, और ये अच्छे से थ्राइव करते हैं। नेक्स्ट, टॉल प्लांट्स के साथ साथ कुछ छोटे प्लांट्स होना भी ज़रूरी है ताकि आप शेल्फ, कंसोल टेबल, डाइनिंग टेबल, एंड टेबल को भी स्टाइल कर सके, और उनके लिए हैं परफेक्ट पोथोस, क्योंकि कहीं पर भी चल जाते हैं, इन्हें ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, और मेंटेन करना भी काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट, दिस स्मॉल प्लांट इज़ अ फिग प्लांट।
जिसे इस पॉट में रखेंगे। और सबसे अच्छी बात है ये सारे प्लांट्स ना छोटे पॉट्स में आए हैं ताकि आप इसे ऐसे ही यूज़ कर सकें, नहीं तो आप इसे रीपॉट भी कर सकते हैं। ये जो फिग प्लांट है ये काफ़ी टॉल ग्रो हो जाता है, अराउंड 6 फीट। इसे डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए और पानी कम से कम, अगेन वही बात है, हफ्ते में एक बार पानी डालना है। द लास्ट प्लांट इज फाइलोडेंड्रन जनाडू, जो कि मॉइस्चर पसंद करता है, मॉइस्ट प्लेस पे काफ़ी अच्छे से थ्राइव करता है। पानी डालने के लिए पॉट में से ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए ताकि पानी ईजिली निकल जाए, और पानी तभी डालिए जब ऊपर की सॉइल सॉगी ना हो, गीली ना हो, ड्राई रहे। इसे मिस्ट रखने की कोशिश करिए ताकि ये पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, मॉइस्चर बना रहे, और ह्यूमिडिटी इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसे आप छोटे पॉट में भी स्टाइल कर सकते हैं, बाद में रिपॉट भी कर सकते हैं ताकि ये बड़ा बुशी प्लांट जैसा बन जाए। सो या दैट्स हाउ बाय जस्ट सिटिंग एट होम मैंने अपने घर को बना लिया अर्बन जंगल। All thanks to Urban India, जो easily आपके घर तक lush green healthy पौधे पहुँचाते हैं। I'm loving my whole new space, whole new urban jungle. Thanks for watching, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, bye bye.